महिला टैक्सी पकड़े जाने से फूट फूट कर रो रही। जमीनी विवाद के चलते चले लाठी डंडे, एक दर्जन घायल। अब खबरें विस्तार से। टैक्सी चालकों के परिवार को भूखे रहने को होना पड़ रहा है मजबूर, और दिव्यांग महिला टैक्सी पकड़े जाने से फूट फूट कर रो रही है। जिसके घर में खाना नहीं बनने से उसके बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। पिछले दिनों में ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ विभाग की संयुक्त कार्रवाई में करीब 40 से 50 टैक्सियां पकड़ी गईं, जिससे नाराज टैक्सी चालकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए सिटी परमिट देने की मांग की। उनका कहना है कि टैक्सी चालक अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे, लेकिन 4-5 दिनों से टैक्सी जब्त कर ली गई और टैक्सियों का सिटी परमिट नहीं बनाया रहा, जिससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने जिला प्रशासन से जल्द सिटी परमिट देने की मांग की है। कमलेश, किस लिए आप कहाँ आती हो, कितने दिन से आ रही हैं? हम 3 दिन से बराबर आ रहे हैं, टैक्सी खड़ी है हमारी और कोई सुनाई नहीं हो रही है। अरे सो हम तो टैक्सी लेके घर जाएंगे, जब आज घर जाएंगे मत, घर में 3 दिन से खाना नहीं बना है। कितनी परेशानी हो रही है आप? अब हम तो जो है टूटे हुए पैर हैं हमारे, दोनों पैर कटे हुए हैं, मेरी कोई सुनाई भी नहीं हो रही है। मैडम कह रही है कागज़ बनवाओ, मेरे पास पैसे नहीं है, गरीब हूँ मैं, कहाँ से मैं पैसे लाऊँ कागज़ बनवाने के लिए? जब गाड़ी चलेगी, जब पैसे लाऊँगा तब कागज़ बनेंगे उसके। ड्राइवर चलाता है 8-10 दिन में एक दिन चलाता है ड्राइवर, जब वो आता है तब वो गाड़ी चलती है, नहीं तो खड़ी रहती। मेरे 5 बच्चे हैं, खर्चा नहीं चल रहा है, उसी गाड़ी एक जरिया है मेरी, वो गाड़ी 3 दिन से खड़ी करे है, मेरी कोई सुनाई ही नहीं हो रही है। नहीं बना 3 दिन से, मैं इधर ही दौड़ती, छोटे छोटे बच्चे घर में रोते हैं। वो कहते हैं कागज कंप्लीट करवाओ, जब मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं कहाँ से कागज कंप्लीट करवाऊँ? जब गाड़ी चलेगी तब कागज कंप्लीट होंगे वे, और सिटी परमिट नहीं है, सिटी परमिट दिया जाए मैं बनवाने के लिए तैयार हूँ, जो कागज़ नहीं है वो मैं बनवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी गाड़ी छोड़ी जाए अभी। क्या आप लोगों को क्या परेशानी है? परेशानी हम लोगों को ये है कि यातायात प्रभारी वो चालान कर रही हैं, सिटी परमिट के बेसिक पे आरटीओ सिटी परमिट बना नहीं रहे हैं, और हम लोग की सिटी परमिट पुरानी गाड़ी होने की वजह से हम लोगों ने पुरानी गाड़ी बेची, हम नई गाड़ी ली थी उस पर परमिट मिला नहीं था, अब वो परमिट के बेसिक पे कर रहे हैं चालान। हम लोग ये चाहते हैं कि जो हमारा परमिट है वो सिटी परमिट दिया जाए, हम लोग इतने दिन से गाड़ीबाजी कर रहे हैं और कोई हम लोगों के पास वेबसाइट नहीं है। ये हमारे टैक्सी यूनियन के सभी भाई हैं, लगातार 2-3 दिनों से कम 50 से 60 टैक्सियां पकड़ ली गई इनकी। इनका कहना है कि हमारा सिटी परमिट बनाया जाए। हमारी ये विकलांग महिला है, इनके भी टैक्सी पकड़ी गई है, पिछले 2-3 दिनों से बेचारी परेशान है, आज तक कोई सुनाई नहीं हुई है। अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कम से 60 से 70 टैक्सी यहाँ पर रखी हुई है। हमने माननीय कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन सौंपा है, SP महोदय को भी ज्ञापन सौंपा है। और ये कुछ दिन पहले ये ट्रैफिक और RTO की संयुक्त मुहिम चली थी, जिसमें कि इन टैक्सी वालों को चालान आलान जो भी कार्रवाई की है ट्रैफिक और RTO ने की है, और इन लोगों को बताया कि छतरपुर शहर छोटा शहर है और इस समस्या का हल निकालना पड़ेगा, और इन लोगों को बताया गया है कि RTO साहब और ट्रैफिक के साथ एक मीटिंग कर लें और उनके बैठ के मुद्दे सुलझाएं और छतरपुर के शहर का यातायात को अच्छा बनाएं, व्यवस्थित बनाएं। जिले के जतारा थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत कुंवरपुरा में जमीनी विवाद के चलते गांव के ही 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे चले, यहां तक कि कुल्हाड़ी फरसा जैसे घातक हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें लगभग 1 दर्जन लोग घायल हो गए, जिनमें गंभीर घायलों को उत्तर प्रदेश के झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया।
पुलिस ने दोनों पक्षों के एक दर्जन से अधिक लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। किसने हमसा दिया था? दो जने। कब कब हुआ था झगड़ा आपसे? सुबह झगड़ा हुआ? अच्छा, सुबह ठीक है। कितने लोगों ने मारा आपको? आपके कितने लोग घायल हैं? दो जने हैं। आप बड़े भैया आपके घायल हैं? बड़े भैया कहाँ पर हैं? कहाँ का मामला? ग्राम कुंवरपुरा का है, जो मुहारा बीट में पड़ता है। आज सुबह 8 बजे की घटना है। 8 बजे दो पार्टियां, एक पार्टी संतोष घोष करके है, एक पार्टी भजन लाल करके, इन दोनों में काफ़ी समय से जमीनी विवाद चला आ रहा था, जो आज सुबह दोनों पार्टियों में जमीन को लेकर लड़ाई झगड़ा हो गया है। दोनों पार्टियों में से दोनों पक्ष घायल हुए हैं और दोनों का एमएस करवा के दोनों की FIR दर्ज की जा चुकी है, कार्रवाई की जा रही है। मामला क्या था सर उसका, जो लड़ाई हुआ है? हाँ, मामला ये जमीन विवाद को लेकर था। इनके कुएं पे, भजन लाल के कुएं पे दूसरी पार्टी गई होगी, तो जो है उस मामले में कार वगैरह इनके निकाल दिए उस मामले में इसके ऊपर लड़ाई होगी। अच्छा, मेयर के ऊपर है सर? हाँ, वो जमीनी विवाद ही है, मेयर एक ही बात है, उसी पर मामला दर्ज किया गया।